हम बिल्कुल मुल्लों को काट देंगे। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, फिर कहाँ है मोनू मानेसर? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये किसी मंत्री के घर में संरक्षण लिया हुआ इसने। इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे युवा बैठे हैं जो कि मांग कर रहे हैं जुनेद और नासिर को इंसाफ मिले। उनका कहना है कि राज्य सरकार से उम्मीद वो छोड़ चुके हैं, अब केंद्र सरकार से मांग करने आए कि जल्द से जल्द इंसाफ दे। ये टेररिस्ट अगर यही हथियार किसी मुसलमान के पास छोटा सा हथियार पा जाए तो उसे टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। और इतने बड़े बड़े हथियार आप देख लीजिए, अमित शाह के साथ इनका फोटो, और कितना संरक्षण देंगे इन आतंकवादियों के लिए? ये गोरक्षा के नाम पर एक आतंक चला रहे हैं अपना। हमें बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए आज हम सारे मेवाती जितने भी है जंतर मंतर पाया पर आए हैं, क्योंकि मेवात में 3 दिन के लिए नेट बंद कर दिया गया है बिल्कुल कोई, क्योंकि जो वहाँ पर ट्विटर पर जो ट्रेंड कराया था हमने, मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, उसे रोकने के लिए सरकार ने 3 दिन के लिए नेट को बिल्कुल बंद कर दिया है। आप सुन सकते हैं 3 दिन से इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और क्योंकि आवाज़ कहीं बाहर ना चली जाए, और सिर्फ ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ आवाज़ बंद करने के लिए। बहुत ज़्यादा जो नेशनल मीडिया वो तो आवाज़ उठा ही नहीं रही, यहाँ पे नेशनल मीडिया मुझे दिख भी नहीं रही है, क्योंकि आजकल नेशनल मीडिया वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उसे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं 3 दिन से नेट बंद है, तो आप लोग यहाँ आ गए अपनी आवाज़ उठाने? यस, हम इसलिए अपनी आवाज़ उठाने आए हैं कि जहाँ भी हैं हम अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जंतर मंतर है, इस पर पूरे देश की नज़र है। यहाँ से जो मैसेज जाएगा पूरे देश के लिए मैसेज जाएगा, इसलिए हम जंतर मंतर पर आए हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को वहाँ मेवात डिस्ट्रिक्ट में दबा दिया गया है नेट को बंद करके, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपनी बात को पूरे देश में हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, और ट्विटर पर हमने जो ट्रेंड चलाया था उसी वजह से इन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया है। मोनू मानेसर को 2 स्टेट की पुलिस, हरियाणा और राजस्थान, दोनों स्टेट की पुलिस हमको बेवकूफ़ बना रही है। क्या एक मोनू मानेसर को इनसे गिरफ्तार नहीं कराया जा रहा है? आखिर कहाँ है मोनू मानेसर? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये किसी मंत्री के घर में संरक्षण लिया हुआ है इसने। वरना मोनू मानेसर एक छोटे से केस में, तो इससे पहले अभी एक और केस हुआ था, उस कोई भी केस हो जाए उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। और एक मंत्री की कार भी खो जाए तो विद इन 24 आवर्स वो मिल जाती है, मैं आपको बता दूं, मिल जाएगी अगर फ़ोन खो जाए या कोई कुछ भी कहीं गायब हो जाए। लेकिन इंसाफ मिलने में हमारे देश में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, किसी से छुपा नहीं है, और इंसाफ लेने के लिए लोग कितना भी सड़क पर उतरे इतनी जल्दी नहीं मिलता। हमने किसान आंदोलन देखा, अभी तक MSP पर कानून नहीं बना। यहाँ जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, लेकिन शायद उनकी आवाज़ दबी रह जा रही है, नहीं सुन पा रहे, क्योंकि नेशनल मीडिया सब देखते हैं, वो आवाज़ नहीं चला था और इतना यूट्यूब कोई देखता नहीं। और सबसे बड़ी मेन बात, सरकार का दोगलापन देखो आप, वही प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवाद की बेल ले हुए बाहर आई है, वो कल मेवात डिस्ट्रिक्ट गई है। मेवात डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने आतंक मचाया हुआ है, उनसे मिलने के लिए, रिंकू सैनी से मिलने के लिए, और एक और है कौन है मेवात डिस्ट्रिक्ट से ही, वो उनसे मिलने, ये क्या है? ये खुला चैलेंज कर रही है BJP मुस्लिमों को, बिल्कुल दबाना चाहती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को? मुझे तो लगता है हर नागरिक पिस रहा है, हर युवा पिस रहा है, क्योंकि बेरोजगारी है। इसमें सबसे ज्यादा पिस रहा है दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, सबसे ज्यादा इसमें, इस सरकार में सबसे ज्यादा यही पिस रहा है। आप कौन सी सरकार अच्छी, मतलब कौन सी सरकार ने किया? मेरे को तो लगता है किसी सरकार ने नहीं किया। किसी सरकार ने नहीं किया, लेकिन BJP ने तो ज्यादा ही इन गुंडों को बिल्कुल संरक्षण दे रखा, लाइसेंस प्राप्त कर रखा है इनको। क्या पुलिस हमारी सो रही है? ये फोटोज इसके सोशल मीडिया पे वायरल है, इसके पेज पे वायरल हैं सब, इसने पेज बना रखा है, और फिर ये रील बनाता है कि बदमाश छोरा पूरे हथियार ले रहा है, डैशबोर्ड को पिस्टलों से भर रखा है, बड़े बड़े हथियार रख रहा है, क्या दिखाना चाहता है? ये डराना धमकाना चाहता है हमको? हम डरने धमकाने वाले लोग नहीं हैं, ये हैं कि हम संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं, इसलिए संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम संविधान के उससे चल रहे हैं, संविधान जैसे लोगों को लगता होगा, क्योंकि सरकार इनके साथ है और अमित शाह इनके साथ बैठ के फोटो खिंचा ले रहे हैं, तो इनको शायद ये इन्हें ये होम मिनिस्टर इनके साथ है, तो इनके लग रहा है कि मेरा कुछ कोई नहीं। बिल्कुल, अभी इसकी एक, इससे पहले आप इसके पेज को देखिए, उस पर खुली धमकी देता है, लव जिहाद का हो, हम बिल्कुल मुल्लों को काट देंगे, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कोई गोरक्षक हो। एक बात और बताऊं मैम, ये गोरक्षक नहीं, असली गो तस्कर यही हैं, असली गो तस्कर जो यही है, ये गुड़गांव से गाय को भर के मेवात में सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के बाद इनका रिकॉर्ड उठा के देख ले, 2014 में बिल्कुल ये आम नागरिक थे, आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, बैठा हुई इनके पास करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा है गोरक्षा के नाम पे, क्योंकि सारी गायों को सप्लाई करता है, फिर उधर एक दो को पकड़वा देता है, उनको पीटता है, मारता है, वही ये इसने धंधा बनाया हुआ अपना। बीच में बता दूं अपने लोगों को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगी कि मेघालय
प्रदेश अध्यक्ष जो कि बीजेपी के हैं वो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ, तो बिल्कुल वो ऐसे बोल देते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता है, कोई सरकार उनसे बात नहीं करती है, कोई नेता उनके पास ये नहीं कहता कि आप ऐसा बोल रहे हो। लेकिन नहीं, और फिर गोवा स्टेट है, उसमें तो बीफ पर खुला वो दे रखा है, आप बैन करना है तो वहां करिए, गोवा जाइए, गोवा में बैन करो ना, आपकी सरकार है, सब कुछ आपका है, आप गोवा में बैन क्यों नहीं कर दे। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ बीफ का नहीं है, सवाल यहाँ ये नहीं है कि माइनॉरिटीज के साथ जो भी मुझे लगता है भेदभाव हो रहा है, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं खुलकर पिछले कुछ चार चार पाँच सालों से, CANRC हमने देखा, लोगों को लगता है कि भेदभाव हो रहा है, तो इस पे सरकार को आकर जवाब देना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, जो कि वो नहीं दे रही है। बिल्कुल भागने की कोशिश कर रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं सेंटर में जब से बीजेपी आई है बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहुत कम सवाल उठाए जाते हैं, कोई भी नेता वहाँ पे सीधे आके बड़े नेताओं की चुप्पी है, क्या बताना चाह रहे हैं, ये चुप क्यों है, क्यों मुंह नहीं खोलते इन गोरक्षक, ये जो गोरक्षक के नाम पर आतंक उठा रहे हैं, सरकार का यही तो मैसेज है इनडायरेक्ट कि आप जो काम करना है वो करिए, वरना इतना देश में बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में निर्दोष मारे गए, जलाए गए, राजस्थान से इन्हें अगवा कर भिवानी के लोहारू जिलों में मार कर फिर इनको जला दिया जाता है, क्या यही, क्या देश की पुलिस, इस देश की पुलिस कहाँ गई आखिर, क्या न्याय यही लोग करेंगे, गुंडों के हाथ में न्याय रह गया है। अगर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। युवा सवाल कर रहा है सरकार पुलिस क्या कर रही है, केंद्र सरकार कब जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाएगी।